पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अंदर की खबर बता रहे हैं आपको। सुबह हमने आपको बताया था कि लालू यादव मीटिंग कर रहे हैं। लालू यादव कल ही आए हैं सिंगापुर से दिल्ली, और दिल्ली से पटना वो कल ही आगे। देखिए, कयास लगाए जा रहे थे कि पटना से दिल्ली वो संभावित 2 से 3 दिन बाद आएंगे, लेकिन कल ही पटना आ गए। पटना आने के बाद सबसे पहले उनका बीजेपी पे हमला। जाति जनगणना को लेकर उन्होंने सबसे पहले सुबह सुबह ट्वीट कर दिया, उसके बाद एक मीटिंग बुलाए। देखिए, मीटिंग तो उन्होंने बुला ली, लेकिन इस मीटिंग से पहले यानी कल लालू यादव दिल्ली में थे, तभी तेजस्वी यादव को फोन कर दिए थे कि तमाम जो एमएलए हैं, एमएलसी हैं, राजद के कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े राजद के नेता हैं, उनको बुला लिया जाए, मीटिंग होगी, आगे की स्ट्रैटेजी राजद तैयार कर सकती है। और कल ही एक मीटिंग में तेजस्वी यादव के यात्रा पर भी राजद ने पीसी करके बताया था। तो लालू यादव आज एक इस मीटिंग में क्या फैसले लेंगे? देखिए, लालू यादव, बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि लालू यादव जिस तरीके से अस्वस्थ रहने लगे हैं, तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव के हाथों में वो कमान सौंप दे, राजद के तमाम फैसले, आरजेडी में आगे क्या कुछ करना है, ये सब फैसले वो तेजस्वी यादव के हाथ में दे दे। देखिए, 10 फरवरी 2022 को ये चर्चा हुई थी और एक मीटिंग रखी गई थी, तो उसमें लोगों ने पूछा था, पत्रकारों ने पूछा था कि तेजस्वी यादव के हाथों में आप कमान सौंपेंगे, तो लालू यादव ने इस बात को पूरे तरीके से खारिज कर दिया था। और उसके बाद से इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि क्या लालू यादव तेजस्वी यादव के हाथ में कमान सौंपेंगे। बीच में इस बात की भी हल्ला हुई थी कि वो दे सकते हैं, लेकिन आज इस मीटिंग में क्या फैसला होगा? क्या लालू यादव अब पूरे तरीके से तेजस्वी यादव को आरजेडी का प्रभार सौंप देंगे? जिस तरीके से तेजस्वी यादव, देखिए, यात्रा कर रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे, और लालू यादव जब पटना में नहीं थे तो देखिए बहुत कुछ बिहार की राजनीति में हुआ। लालू यादव पटना से गए और तेजस्वी यादव अचानक से बिहार की राजनीति में एंट्री कर गए, रोज बयान जारी करने लगे, रोज जनता के बीच आने लगे। यहां तक कि आरजेडी की तरफ से एक दिवसीय जो आप समझिए तो धरना बुलाई गई थी, उसमें खुद तेजस्वी यादव आकर बकायदा उन्होंने 1 घंटा भाषण दिया और उसके बाद मीडिया के सामने बयान दिया। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्या लालू यादव अब चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को पूरे तरीके से प्रभार दे दे? अब लालू यादव आरजेडी का पूरा जो भी फैसला है वो तेजस्वी यादव करेंगे? देखिए, इस मीटिंग में बहुत कुछ हो सकता है। इस मीटिंग में बिहार की आगे की राजनीति, आरजेडी आगे क्या करेगी, श्याम रजक के जाने के बाद बहुत बातें उठ रही है, और जदयू का यह दावा है कि आरजेडी में भगदड़ मचने वाली है। इन सारी बातों पर विचार विमर्श आरजेडी बैठ के कर रही है कि क्या आगे हम ऐसा करें कि आरजेडी की जो हमारे विधायक है, हमारे सांसद है, हमारे कार्यकर्ता है, वो हमसे नाराज चल रहे हैं, वो भी मानने लगे। देखिए, आरजेडी बहुत प्रयास कर रही है, कभी हेना साहब को मनाने जा रही है, तमाम रूठे हुए विधायकों को आरजेडी मनाने का काम कर रही है, लेकिन फिर भी दाल गलती हुई नहीं दिख रही है। देवेंद्र प्रसाद यादव जा रहे हैं जनसुराज के पास, श्याम रजक आ रहे हैं जदयू के पास। क्या यही सबको देखते हुए लालू यादव एक तरीके से मीटिंग कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, या फिर इसमें तेजस्वी यादव को भी वो प्रभार सौंप सकते हैं? 2020 10 फरवरी को लालू यादव ने इस बात से खारिज कर दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आज इस मीटिंग के बाद क्या होगा, क्या फैसले आएंगे अंदर से, ये देखने वाली बात होगी। जो भी, देखिए, अभी तक ये मीटिंग चल रही है और कल भी दिल्ली में मीटिंग हुई है, इतना मंथन आरजेडी में क्यों हो रहा है? क्या एक बड़ा फैसला आने वाला है? बिहार में फिर से कोई सियासी हलचल आने वाला है? देखिए, तमाम मुद्दों पर अब आरजेडी अडिग है, चाहे वो जाति जनगणना हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो, इन तमाम मुद्दों पर आरजेडी अडिग है। क्या कुछ होगा? क्या तेजस्वी यादव को लालू यादव कमान सौंपेंगे आरजेडी की? तेजस्वी यादव को पूरा प्रभार दिया जाएगा? यात्रा पर जा रहे हैं, क्या कुछ होगा उस पर हमारी नजर है, लेकिन फिलहाल आपकी नजर भारत लाइव होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।